वजह से फाइन बहुत बढ़ गई। ये गार्ड भी है, मेरे पे बहुत नज़र रखते हैं, देखते हैं कितनी बजे आता हूँ कितनी बजे जाता हूँ, हमेशा मैं इनको चकमा देता हूँ। तो ये जो कान का है ये मेरे को राज ने दिया है, बहुत उसने ख़रीदा था तो मैंने उससे ले लिया है, बहुत ही प्यारा लगा। तो ये है इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो कि आता है हमारे इंदौर बाईपास पर, और 1 तारीख को ओपनिंग हुई है, और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर इसको सजाया हुआ है, प्यारा चांद निकला हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सा चांद है, और ये हमारी ग्रैंड भगवती है, सबसे बढ़िया होटल है इंदौर की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आग सिकरी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंदौर में ठंड आ चुकी है। ये तो आते आते अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं हम, और घर आ चुके हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी जैसा कि होती है, ये खाना हमारा, और ये होटल इधर ही रहने देता हूँ, कल काम आ जाएगी। तो डॉली और मैं जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, इसका कल इवेंट है, और शॉपिंग करने सैंडल खरीदी ड्रेस इसकी। तो मैं और डॉली आ चुके हैं इंदौर के अपोलो टावर, और यहाँ पर इसकी कुछ ज़रूरी सामान लेना है इसको। तो इंदौर का अपोलो टावर आपको बता दो कि कैसे रास्ता बंद है, और ज़रूरी सामान लेना है, मेरा कल शो है 11 बजे, और मेरे पास समय नहीं फिर कल खरीदने का भी, इसलिए मैं ना वो डर गई थी, मुझे लगा ये बंद हो गया, अपन लेट पहुँचे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ फुटवेयर खरीदने, और जो फुटवेयर मुझे पसंद आएगी ना, तुम ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि यही वाली ले ले, वरना वो नौ बढ़ा देगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये दूसरी दुकान पर आए हैं, ये तो फाइनली ये दो में से एक कुछ होगा निर्णय, ये मेरे को बढ़िया लगा है। तो मेरा वाला तो रिजेक्ट हो गया, बच्चे ये दो हमारे जूतों की हालत देखो, 6,000 के शूज थे, देखो कितने घिस दिए इनको हमने, गम लगा लगा के हमारी ज़िंदगी में बहुत गम था, तो हमने इसमें सब लगा दिया, जितना भी गम बचा था जीवन का। इनके पैसे गिरे, देखो इनके पैसे गिर गए वहाँ पे, इसकी नज़र गई, अभी वहाँ भी गिर गए वो, देखो पैसे गिरे पड़े मिले हमको, फिर भी देखो हम कितने ईमानदार हैं, हम चुराएंगे नहीं, दो पैसे मिले, पैसे उसमें रख लिया, गिरे उसके थे, अंकल ईमानदार तो उन्हें दे दिए। तो इतनी देर बैठने के बाद इसने निर्णय लिया कि चप्पल यहाँ से नहीं लेने वाली है, पर अब धीरे से देखे कैसे कल्टी मारेगी, तो ये कट के आ गई धीरे से दूसरी दिन। नई जगह आ गए डॉली, वो बैग उसको उसको बोल के आजा, तेरा घर जाएंगे इसमें, तुम्हें घर में दुकान नहीं है, तेरा घर जाएंगे। ये वाला बैग चाहिए मोहतरमा को, और ये वाले मिल रहे हैं, ये भैया कुछ ऊपर दिखाने ले जा रहे हैं हमको। हेलो, नहीं मैं हूँ बैग की दुकान, ठीक है पकवान। और जैसा कि हर एक पति दुखी होता है कि उसकी औरत सब काम आखिरी में करती, और ये देखिए आखिरी में शॉपिंग, सुबह से घर पे बैठी हुई थी, इसको अब याद आया कि शॉपिंग भी करनी है, ये देखिए अभी लिपस्टिक खरीद रही है। तो इसने फाइनली बैग ले लिया एक, जो कि वो वहाँ पे छोड़ के आ गए, राजीव ने मुझे बहुत सुंदर बैग दिया, अभी ये खुश है, इसके पहले लड़ रही थी, अरे एक ही समोसा है पे, हम समोसा खाने हैं, बहुत पुरानी समोसे, हाँ यही खाना, आधा आधा कर दो, नहीं कुछ भी नहीं। काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ रास्ते में, और फाइनली हम साथ में हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है। इसने बैग खरीद लिया, मेरे को बोला कि तेरे को चप्पल दिला रही थी, धोए दिए नहीं थी, जूते देने थे, तो हम लोग आ चुके हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। बॉटल निकल जाए।